भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बैन है, जिसको लेकर लाल कुआं में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तहसीलदार के साथ व्यापार मंडल के पद अधिकारियों शामिल हुए। वहीं बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल प्रतिबंध किए जाने का आग्रह किया गया। बता दें कि प्लास्टिक को प्रतिबंध किए जाने को लेकर व्यापारियों को एक सप्ताह का समय भी दिया गया है, जिसके बाद अभियान चलाते रहना है। लाल कुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। 1 जुलाई से समस्त जो सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं सभी पे रोक लगाया गया है। साथ ही थर्माकोल की समस्त वस्तुओं पर भी रोक है। जो प्लास्टिक के कैरी बैग हैं 100 माइक्रोन से अगर वो अधिक के हैं तो चलेंगे, 100 माइक्रोन तक के जो है वो भी बैन किए जाने हैं।